श्रोमणी अकाली दल बादल के सबका मंत्री सिकंदर सिंह मलूका अपने निजी काम लई सिविल हस्पताल पहुंचे सन। उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार हर फ्रंट से फेल हो चुकी है और थोड़े समय में ही वह लोगों के नक बुल तो लै चुकी है। तीन महीने पहला जिथे भगवंत मान के मगर हजारा लोगों का इकट्ठ हुंदा सी उत्थे उसकी रैली बिल्कुल फ्लोप हो गई है। पंजाब विच लॉ एंड आर्डर की स्थिति विगड़ चुकी है। हर रोज गोलियां चल रही हैं, कतल किए जा रहे हैं। जो लोगों नाल वादे किए गए सन वह भी पूरे नहीं हुए, उल्टा गरीब लोगों के घर ढाउन तक पहुंच गए हैं, जिस कारण संगरूर दी जिमनी चोणां विच भी आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारेगी। देखो मैं देश दे लोकां नूं कहना, पार्टी तां जाण के झूठे वादे करदियां ने पार्टियां। लोगों को सोचना चाहिए भी जिहड़े वादे साडे नाल कर रहे हैं पूरे भी हो सकते कि नहीं। अजकल देखो सारे लोग पढ़ लिखे ने, खास करके पंजाब दे विच तां 90% लोग पढ़ गए ने, तो जे पढ़े लिखे लोग भी उन्हां दे झूठां दे विच आ जांदे ने तो फिर दूजियां दा आपां की हाल करांगे। सो लोगों ने सोचना चाहिए भी जिहड़ा ये वादा कर रहे हैं ये पूरा होने वाला है कि नहीं होगा। ना सियासी पार्टियां कोई झूठा वायदा लोगों ना करना चाहिए, वैसे तो कानून बन जाना चाहिए। हुण वेला आ गया कि जिहड़ी पार्टी झूठा वायदा करती है उन्हें कोई सज़ा मिलनी चाहिए है, तो नाल लोगों भी सोचना चाहिए भी जिहड़ा ये वायदा साडे नाल कीता जा रहा ये समर्थ हैगी है स्टेट इन्ना पूरा करन दे, फिर सोच के वोटां पाउणियां चाहीदियां। कसूरवार पार्टियां तो लालच करदियां ने तो लोग भी दोषी ने, क्यों पाउंदे ने वोटां झूठ दे उत्ते जिहड़ी चीज़ सब भी नहीं पता है फिर क्यों वोटां पाउंदे ने लोग। नहीं रोड शो तो कल बुरी तरह फलाप होया नहीं, कल लोगों ने मूहरे खड़ खड़ कहा भी तेनों वोटा नहीं पाते यार की यह कदे नहीं होया अज तक अपने पंजाब दे विच के लोग मूहरे होकर कह के असी थोड़ा वोटा नहीं पाते। तीन महीनों बाद तीन महीने बाद हैडक्वाटर तो दफ्तर बंद करा देन, लोग धरना ला के दफ्तर बंद करा देन। यह पहली बार किसी पार्टी ना होया, पहला भी कई दिन हो गए। भदौड़ हल्के दे विच मेरी ड्यूटी है उत्थे इन्हां दा कैंडिडेट ते नाल दो तीन MLA होर आए सीगे पिंड दे विच। सहणा बहुत वड्डा पिंड है जिहदी कि 11-12 हज़ार तां वोट है ते सिर्फ 5 बंदे स्टेज ते बैठे आ। मेरे कोल फोटो मैं तुहानूं दिखा दिंदा, 5 बंदे ही मूहरे बैठे आ, उह वी शायद नाल ही आए होण 5 बंदे। ते इही हाल बाकी पिंडां च होया, जिहड़ी इन्नी लोकां दे विचों मोह इन्हां तों भंग होया एड्डी छेती, उह झूठ करके जिहड़े लोकां नाल वादे कीते झूठ कीते, काम कोई हो ही नहीं रिहा। टोटल काम बंद पए आ, तहसीलां च रजिस्ट्रियां नहीं हो रहीयां, किते होर कोई काम नहीं हो रहे, तो जिहड़े वादे किए से उन्होंने पूरा होने तो मुकरी चले सारों तो। सो फिर सरकार ना जिहे जिहा इन्हां दा हैगा इहो जिहा कुछ ही होना सीगा। अनसिखी सरकार है, पता इहनूं कोई है नहीं, गल्लां मारी जांदे वड्डियां वड्डियां, झूठ बोली जांदे आ, कोई रिजल्ट है नहीं। देखो रोज़ गोलियां चल रही, रोज़ 4-5 बंदे तक कतल जिहड़ा मीडिया च आ जांदा, जिहड़े उदू बिना रह जांदे उह वक्खरे ने, ते लोकां नूं चुप चुपीते जिहड़े टेलीफोन आ रहे आ, दहशत दा माहौल है। पंजाब दा अमन पसंद शहरी जिहड़ा खास करके व्यापारी लोग है वो डरे पए ने, इन्ने पैसे मंगे जा रहे हैं, कुछ तो चुप चुपीते दे आउंदे ने, कुछ तो इन्ने ज़्यादा मंगे जा रहे वो दे ही नहीं सकते। सो इस वेले जिहड़ा बिल्कुल बादामनी वाला माहौल है पंजाब दे विच, दहशत वाला माहौल है, डिवेलपमेंट के काम सारे ठप्प पए आ, काम किसी का कोई हो नहीं रहा, रिश्वत कई गुणा वध गई, नशा कई गुणा वध गया, कतलों कारत बहुत ज़्यादा है, गैंगस्टर का राज है पंजाब दे विच सही मायने च। इस वेले बहुत ही जिहड़ी नाजुक स्थिति है पंजाब, मैं उही गल कहना भी एड्डी तेजी दे नाल तुसीं पहला वेखता लो लोगों को। कई बंदे ने चलो जे किसी ने कोई गरीब है उहदे कोल कोई साध नहीं है ने, ना कोई उहदे कोल जमीन लैण दी गुंजाइश ही है नहीं, प्लाट लैण दी, मरला दो मरले जे पा भी लिया तो सरकार की तो पॉलिसी है कि 5 मरले तो किसी देने हैं जिहदे कोल है नहीं गे, ये सारिया सरकार की पॉलिसी है। फिर ढाण वाला काम बना के तो की देने, ढाण वाला काम तो उदू भी माड़ा, पहले वेखना तो चाहिए कि जिहड़ा बंदे ने इन्हें मकान बुलाया कैपैसिटी की है, ये गल्लां बिना वेखे तो ही सारा कुछ किया जा। मैं उही गल करदा कि तुसीं वो बंदे नूं वेखता लो भी जे तो उन्हें कोई लालच किया, अमीर बंदा है फिर तो वेख लो, फिर तो वह करो जो उत्ते सख्ती करनी उन्हें क्यों किया। पर जिहड़ा गरीब बंदा जिहदे कोल कोई कैपैसिटी है नहीं, ये तो सरकार की ड्यूटी है, रोटी कपड़ा ते मकान तीन चीज़ा तो हर एक सरकार की ड्यूटी है कि लोगों को देनिया ने, कपड़ा भी चाहिए तेन वास्ते, रोटी भी खाने वास्ते चाहिए, तो रहने छत भी चाहिए है, ये तो मुढ़लियाँ लोड़ा ने, हर सरकार की ड्यूटी है, कोई सान नहीं है किसी को। नहीं फिर हर चीज़ पिछलियां सरकारां ते ला के गुजारा हो जूगा, पिछलियां सरकारां ने आपदा समट पाया, उन्होंने अपने लिए जवाब दे सी, जे वो नहीं सी तो लोगों ने वोटा नहीं पाइया, थोनू कादी खतर जिताया लोगों ने, जे कि उन्होंने कोई गलतियां हुई तो ही थोनू जिताया ना, तो फिर जे तुसी यही कह के तो टाइम नहीं टपना हुण, जे आपां यही कही चलांगे पिछलियां ने किया पिछलियां ने किया, ये तो हुण तुसी करो चंगा करो तुसी।
ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦੂਗਾ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਸੁਧਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਠੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਕੋਲ 10-10, 12-12 ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਕਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਨਾ ਐੱਮ ਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10-10 ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ 30-30, 35-35 ਗਨਮੈਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੈਨੋਵੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਸੂਤ ਆਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੇਡਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ 2500 ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠਣ ਗਿਆ, 2500 ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾ ਇਦੂ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ 10-15 ਗਨਮੈਨ, ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਵੀ 10-15 ਗਨਮੈਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਾਉਂਦੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆ ਰਹੇ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 22000 ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀਓਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।